हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर में बनने वाले दुनिया के 10 मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर 10, डैलियन ब्राकुडा बे स्टेडियम। डैलियन ब्राकुडा बे स्टेडियम चाइना की डैलियन सिटी में बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम में 63,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। डैलियन ब्राकुडा बे स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी बताई नहीं गई है। डैलियन ब्राकुडा बे स्टेडियम 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 9, न्यू फिनवुड स्टेडियम। न्यू फिनवुड स्टेडियम नदरलैंड की रोटरडैम सिटी में बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम में 63,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। न्यू फिनवुड स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 444 मिलियन यूरोज बताई जा रही है। न्यू फिनवुड स्टेडियम की कंप्लीशन डेट अभी बताई नहीं गई है। नंबर 8, स्टाडियो डी लॉस टिग्रस। स्टाडियो डी लॉस टिग्रस स्टेडियम मेक्सिको की सैन निकोलस सिटी में बनाया जा रहा है। स्टाडियो डी लॉस टिग्रस स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 320 मिलियन डॉलर्स है। स्टाडियो डी लॉस टिग्रस स्टेडियम में 5,000 लोगों की बैठने की क्षमता होंगे। स्टाडियो डी लॉस टिग्रस स्टेडियम को 2025 तक बनकर तैयार किया जाएगा। नंबर 7, शेख हसीना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। शेख हसीना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का दूसरा नेम द बोट क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम को बांग्लादेश के ढाका सिटी में बनाया जा रहा है। शेख हसीना इंटरनेशनल स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1100 करोड़ टका है। शेख हसीना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 70,000 लोगों की बैठने की क्षमता होंगी। शेख हसीना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को 2022 तक बनकर तैयार किया जाएगा। नंबर 6, न्यू वर्कर स्टेडियम। न्यू वर्कर स्टेडियम को चाइना की बीजिंग सिटी में बनाया जा रहा है और न्यू वर्कर स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 720 मिलियन डॉलर्स है। न्यू वर्कर स्टेडियम में 70,000 लोगों की बैठने की क्षमता होंगी। न्यू वर्कर स्टेडियम को 2023 में बनकर तैयार किया जाएगा। नंबर 5, जाकार्ता इंटरनेशनल स्टेडियम। जाकार्ता इंटरनेशनल स्टेडियम को इंडोनेशिया की जाकार्ता सिटी में बनाया जा रहा है। जाकार्ता इंटरनेशनल स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 312 मिलियन डॉलर्स है और जाकार्ता इंटरनेशनल स्टेडियम में 82,000 लोगों की बैठने की क्षमता होंगी। जाकार्ता इंटरनेशनल स्टेडियम 2022 तक बनकर तैयार किया जाएगा। नंबर 4, बगदाद स्पोर्ट सिटी। बगदाद स्पोर्ट सिटी को इराक की बगदाद सिटी में बनाया जा रहा है और बगदाद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 550 मिलियन डॉलर्स हैं। बगदाद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में 85,000 लोगों की बैठने की क्षमता होंगी। बगदाद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम की कंप्लीशन डेट अभी बताई नहीं गई है। नंबर 3, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल स्टेडियम। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल स्टेडियम को इजिप्ट की न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सिटी में बनाया जा रहा है। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी बताई नहीं गई है। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल स्टेडियम में 91,000 लोगों की बैठने की क्षमता होंगी और इस स्टेडियम को 2022 तक बनकर तैयार किया जाएगा। नंबर 2, किरांडी कासाबलांका। किरांडी कासाबलांका स्टेडियम को मोरक्को की कासाबलांका सिटी में बनाया जा रहा है। किरांडी कासाबलांका स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 404 मिलियन डॉलर्स है। किरांडी कासाबलांका स्टेडियम में 93,000 लोगों की बैठने की क्षमता होंगी। किरांडी कासाबलांका स्टेडियम को 2025 तक बनकर तैयार किया जाएगा। नंबर 1, गुआंगजू एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम। गुआंगजू एवरग्रांडे स्टेडियम चाइना की गुआंगजू सिटी में बनाया जा रहा है और गुआंगजू एवरग्रांडे स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1.7 बिलियन डॉलर है। गुआंगजू एवरग्रांडे स्टेडियम में 100,000 लोगों की बैठने की क्षमता होंगी। गुआंगजू एवरग्रांडे स्टेडियम को 2022 तक बनकर तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप कभी ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।